नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। पीछे बोर्ड लिखा है एरो सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोहाली, आईटी सिटी मोहाली। ये वो रोड है और बिल्कुल चौंक से सीधा आती है। अब यहाँ देखें, ये जो रोड चल रही है ये खरड़ टू बनूड रोड है और ये नीचे अंडर ब्रिज बन रहा है ताकि बाहर का जो कस्टमर है, जो बाहर के लोग हैं जो लुधियाना जाना जाते हैं, वो नीचे से जाएं और सीधा आगे जाके ये सीधा रोड लुधियाना जो अंबाला लुधियाना है उस रोड पे चढ़ जाएगा। अब इस तरफ फ्लाईओवर बन रहा है, ये गमाडा का एक्सप्रेसवे आ रहा है जो अंबाला से सीधा रोपड़ को टच करेगा, तो वो वाले लोग उधर से आके यहाँ लैंड करेंगे इस तरफ और ये अंडर ब्रिज से भी एयरपोर्ट रोड को पहुंच जाएंगे। इस चौक पे ये सारा जो इंफ्रा बन रहा है, इससे बनने से बहुत सारा फायदा होने वाला है। जितना जो ट्रैफिक है जो कुल्लू मनाली से आ रहा है और दिल्ली जा रहा है, वो पहले शहर से इसी रोड से होके जाता था। अब जब पीछे वो रोड बन जाएगी तो वो बाहर बाहर जाएंगे। जो खरड़ से लांडरा वाली रोड है, इसके ऊपर जो ट्रैफिक है वो मिनिमम हो जाएगा, तो ये प्लस पॉइंट हो जाएगा, उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा। अब जो अभी फिलहाल हैवी ट्रक पीछे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे बाहर से निकल जाएंगे, तो यहाँ पे कंजेशन जो है वो कम हो जाएगा, ये यहाँ से स्मूथनेस हो जाएगी। और अब इस रोड के ऊपर जहाँ हम खड़े हैं, इस तरफ आईटी सिटी है, एरो सिटी है, यहाँ एट्रोपोलिस है जो हमारे दूसरे ब्लॉक हैं, तो ये सारे के सारे जो एरिया हैं ये बहुत ही हैवी इनकी प्राइस हो चुकी है। अब यहाँ पे अभी हमने पूछा किसी से, आईटी सिटी का प्लॉट की बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे 500 गज का प्लॉट है जी, 5 करोड़ में हम बेचेंगे, यानी कि 1 लाख रुपए गज का यहाँ पे प्राइस हो चुका है एरो सिटी के अंदर, आईटी सिटी के अंदर। अब इस चौक पे वहां से यहाँ आने में हमें 5-7 मिनट लगे। अब 5-7 मिनट के और यहाँ पे डिस्टेंस पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आपको 45,000-40,000 की रेंज में मिल जाएंगे। यहाँ 1 लाख रुपए और यहाँ 45, बहुत फर्क हो गया, आधे का फर्क हो गया। और ये सारा डेवलपमेंट हो ही रही है तो और शहर एक्सपेंड हो जाएगा, तो इसका रेट भी कल को बढ़ जाएगा। तो हम आने वाले 5 साल में अगर इसको 1 लाख रुपए भी मान के चले जो यहाँ पे आज का रेट है, तो ये ऑलमोस्ट डबल का प्राइस हमारा 5 साल में हो सकता है। तो उस हिसाब से अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और आने वाली 5-6 वीडियोज़ में हम आपको दिखाएंगे। और अब चलते हैं उस प्रोजेक्ट पे और उन प्रोजेक्ट्स पे, क्योंकि बहुत सारे दिखाने हैं आपको, तो हर बार फ्रंट में यही वाला पार्ट होगा वीडियो का और सेकंड पार्ट में आपको हम कोई नया प्रोजेक्ट दिखाया करेंगे। तो पहले चलते हैं उन प्रोजेक्ट पे। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और अभी आपने देखा हम एयरपोर्ट चौक पे खड़े थे और वहाँ से हम यहाँ आए और बिल्कुल हाईवे चल रहा है, ये सामने हाईवे के ऊपर पेट्रोल पंप है और हाईवे चल रहा है फटाफट, और इसी हाईवे से थोड़ी दूर जाके आप राइट मुड़ोगे तो एयरपोर्ट चौक आ जाएगा। अब यहाँ पे गेटेड सोसाइटी आ रही है, ये फ्रंट पे जो खुदाई हो रखी है ये बूथ है, यहाँ पे 10x30 की दुकानें हैं, यहाँ पे फ्रंट पे दुकानें बनेंगी और पीछे जाके ये जैसे बाउंड्री वॉल है साथ में, और इस तरफ पीछे गेट लग रहा है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और इधर से हमारी मेन एंट्री रहेगी और ये एंट्री के ऊपर मार्केट रहेगी। तो यहाँ पे जो ये प्री लॉन्चिंग का प्रोजेक्ट है, यानी कि अभी इसका CLU आया है, रेरा भी आना है, तो इसका 25% पेमेंट अभी जानी है, 25 आपको रेरा पे देनी है, 25 फिर जो पोजेशन है उसके हिसाब से आपको जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी वैसे वैसे आपको पेमेंट करनी है। अगर आप दुकान चाहते हैं कि दुकान मिल जाए आपको, क्योंकि कॉलोनी कल को बननी है, लोगों ने शॉपिंग करनी है तो दुकान अब ले लेते हैं, आजकल जो बनी बनाई दुकानें मिलती है कहीं पर भी 35-40 का रेट चलता है, लेकिन यहाँ पर 27,90,000 का प्लॉट आपको मिल रहा है और इसके आपको इंस्टॉलमेंट में सेम पैसे देने हैं। 27,90,000 में यहाँ आपको प्लॉट मिल जाएगा दुकान का और 10x30 का होगा और आगे आपकी 45 फुट के आसपास की रोड रहेगी, आमने सामने दुकानें होंगी। अब इस तरफ जो हमारे प्लॉटिंग आ रही है 100-125 की,
इसका जो प्राइस है फिलहाल 33,90,000 रुपया है 100 गज के प्लॉट का, यानी कि 33,900 रुपया प्राइस है प्री लॉन्चिंग का, और ये आने वाले समय में इसके आसपास 45 भी हो गया, 42 भी हो गया, ये भी बढ़ के वहाँ हो जाएगा। फिलहाल आपको 33,90 में ये प्लॉट मिल जाएंगे, और 33,90,000 का जो आपको देना है 25% देना है, और 25% रिया पे देना है, और बाकी फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रहेगी वैसे वैसे उस साल का टाइम मान लें आपको मिल जाएगा। रेरा के आप बाद आपको लोन मिल जाएगा, पहले वाले पैसे आपको सेल्फ फंडिंग करनी है, खुद आपके पास अगर हैं तो ही आप इस वीडियो को देखने के बाद इस प्रॉपर्टी को देखना है, अदरवाइज आपका जो सर्दी में आना जाना फजूल व्यर्थ हो जाएगा। तो अगर आप सेल्फ फंडिंग कर सकते हैं रेरा से पहले, यानी कि 50% जो है 33,90,000 34 आप पकड़ें, 34 का हाफ 17,00,000 हो गया, तो 17,00,000 अगर आपके पास अपने पैसे हैं जो आपने बैंक से नहीं लेने हैं तो ही आपके लिए ये वीडियो काम की है। ऐसे ही 27,90,000 यानी कि 28,00,000 का है, 14,00,000 आपके पास होने चाहिए, 14 का आपको लोन मिल जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए वीडियोस होती हैं जो प्री लॉन्चिंग होती हैं, जिनके पास 50% पैसा अपने पास पड़ा होता है, जिनका बैंक के ऊपर लोन की डिपेंडेंसी उतनी नहीं होती जितनी कि एक नॉर्मल बायर की होती है। तो हाईवे की प्रॉपर्टी है, चंडीगढ़ के पास है, एयरपोर्ट चौंक के पास है, और आने वाले समय में इसका प्राइस 100% बढ़ जाएगा क्योंकि अब डेवलपमेंट हो चुकी है। इससे 2-4 किलोमीटर के आप एयरपोर्ट रोड के जब आसपास पहुंचोगे तो 1,00,000 रुपये गज का रेट हो चुका है, और यहाँ पे आपको 33,900 मिल रहा है। तो प्राइस सभी जगह पे अब बढ़ चुके हैं, क्योंकि जो ये किसान भाई हैं जिन्होंने ज़मीन बेचनी है वो कह रहे हैं भाई हम तो गजों के हिसाब से बेचेंगे, अब एकड़ों के हिसाब से नहीं बेचेंगे। तो वो सब समझदार हो गए हैं। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो किसान भी देखते हैं तो कह रहे हैं भाई साहब आप तो बहुत नॉलेज देते हो, आप तो बताते हो कि इतने का रेट हो गया, इतने का हो गया, तो हमारे एक एकड़ में 4840 गज होते हैं, अब 33,900 आपने रेट बता ही दिया, तो साथ वाले भाई साहब कहेंगे 33,900 मल्टीप्लाई बाय 4840, तो गज का रेट निकाल के जब ये एकड़ का रेट बनाएंगे तो ये 12 करोड़ से ऊपर का एकड़ का रेट मांगेंगे। अब जो बिल्डर यहाँ पे इनसे 12 करोड़ में लेगा तो डेफिनेटली वो इसको 40 का ही बेचेगा। तो इस तरीके से प्राइस बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में और बढ़ने के चांसेस हैं क्योंकि लैंड के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने बहुत सालों वेट किया, इनके बाप दादा ने जमीनें ली थी, जिन्होंने भी अब यहाँ पे जमीनें हैं, अब उनके टाइम आया है कि उनको अब अपनी जमीन के अच्छे पैसे मिल रहे हैं, मिलने भी चाहिए, सबको मिलने चाहिए। तो इसलिए आने वाला समय जो है और महंगा होने वाला है। 33,900 का प्राइस आपको दिख गया, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, कॉल कर लें, आए और आके इसको ले जाएं। और एक शेर लास्ट में याद आ गया, वो सुना देते हैं कि मुझसे ही तंग निगाही का गिला करते हो, मुझसे ही तंग निगाही का गिला करते हो, दोस्तों दीद के काबिल कोई मंजर तो हो। तंग निगाही होती है कि आप देखते नहीं हैं हमारी तरफ, तो शायर कहता है को देखने लायक तो हो तो ही देखें, मुझसे ही तंग निगाही का गिला करते हो, दोस्तों देखने लायक कोई मंजर तो हो, और मैं उसको अपनी अदावत का शरफ क्या बख्शूं, मैं उसको अपनी अदावत का शरफ क्या बख्शूं, वो पहले मेरे कद के बराबर तो हो। अदावत कहते हैं दुश्मनी, और कहते हैं मैं उसे दुश्मनी का जो कहते हैं कि रिवार्ड क्या दूं उस बंदे को, पहले वो मेरे कद के बराबर तो हो कि उसके मैं उसे दुश्मनी कर पाऊं, तो कमजोर से क्या दुश्मनी करनी है। तो ये शायर का नजरिया है कि हर बंदे ने अपने अपने हिसाब से सोचने का तरीका अपना रखा होता है, अडॉप्ट कर रखा होता है, वैसे ही सोचता है। तो ऐसे ही अब ये जब ये प्रोजेक्ट है बन गया, तो पहले ये ज़मीन किसने ली, वो भी हमारे मित्र थे, उन्होंने फिर किसी को बेची, वो भी हमारे मित्र थे, कि बाज़ार छोटा है जानते सारे ही हैं। तो अब ये बढ़ते 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 प्राइस यहाँ तक आ चुके हैं, अब ये कद के बराबर आ चुकी है, तो हमने वीडियो बना दी, तो हमें लगा कि हम ये बनाने लायक हो गई है ये वीडियो, तो हमने बनाई है। तो इससे पहले हमने जब पहले किसी और बिल्डर के पास थी, उसके बाद किसी और के पास गई, थर्ड जगह फोर्थ जगह ये आ चुकी है, तो अब प्राइसिंग अब ये बनाने के काबिल हो चुकी है, तो हमने बना दी ताकि आपको पहुंच जाए और आप इसको जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उसके तौर पे इसको ले सकते हैं।
रहने के हिसाब से हो सकता है आपको अच्छी ना लगे कि वो आपका टेस्ट है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि आने वाले समय में सब भर जाना है तो तब ये प्राइस भी बढ़ जाने हैं, तो तब फिर मिलना नहीं है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।